हेलो गाइस, आज की इस ब्लॉग में आई एम फ्रेंड्स हम दिल्ली के पुराना किला में, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ घूमने की जगह है। सो इस वीडियो में फ्रेंड आपको इसकी टिकट के बारे में बताऊंगा, टिकट यहाँ पर कितने की है। तो फ्रेंड ये देखिए, मैं सामने खड़ा हूँ तो सामने इसकी टिकट काउंटर है, मैं अब आपको ले चलता हूँ टिकट काउंटर पर और अंदर जाके हम विजिट करेंगे उसको, आपको पूरा दिखाऊंगा व्यू वगैरह कैसा अंदर दिखता है, कितना खूबसूरत है अंदर और इसके लोकेशन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम चलते हैं पहले टिकट काउंटर की तरफ, वहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर एंट्री करके आपको उसका पूरा विजिट करवाता हूँ। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ का ये टिकट काउंटर है, आप देख ही रहे होंगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, अंदर पुराने टाइप के किले वगैरह बने हुए हैं और मकबरा है और अंदर म्यूज़ियम भी है। तो चलिए हम जल्दी से देर ना करते हुए टिकट लेते हैं और अंदर आपको विजिट करवाते हैं। तो गाइस टिकट हमने ले ली है, अब यहाँ से देखिए हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ से होके जाना है सीधा, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, आपको उसके अंदर से होके जाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे टिकट के साथ एक टोकन भी मिलेगा फ्रेंड्स, ये टोकन है। अब इसका क्या यूज़ होना है आगे हम देखते हैं, शायद टोकन ये मेट्रो टाइप मेट्रो स्टेशन के टाइप का बना रखा है, शायद इसके अंदर डालना है आपको, तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड हम एंट्री कर चुके हैं पुराने किले में, सामने आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो इस टाइम शाम के टाइम मैं फ्रेंड देखिए धूप पड़ रही है और व्यू बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से व्यू दिखाते हैं इसका आपको। फ्रेंड हम अंदर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप का व्यू है। यहाँ पर पार्क टाइप दे रखा है, आप देख रहे होंगे पार्क टाइप है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में वो सामने फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, सामने एक मकबरा टाइप का भी बना हुआ है। तो आपको ये दिख रहा है, तो हम चलेंगे धीरे धीरे वहाँ पर, देख लिए व्यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत व्यू दे रखा है। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले एंट्रेंस में, आपको एंटर होते ही पहले आपको इस टाइप का यहाँ पर कुछ ये देर का इंस्ट्रक्शन वगैरह, मतलब इसके बारे में लिखा हुआ है, किला है खिजना मॉस्क्यू और उसके बाद लिखा है शेर मंडल, फिर उत्खनित अवशेष वगैरह, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अंदर जैसे ही चलते रहेंगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा मालूम रहेगा। तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ आपको चल के दिखाते हैं आगे क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। व्यू काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, आपको हरियाली मिलेगी चारों तरफ, आपके पार्क है, आप आके यहाँ पर क्या कहते हैं सुकून से यहाँ बैठ भी सकते हैं, यहाँ पर आप रेस्ट भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड एक बात और कहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड हम यहाँ देखिए आने के बाद यहाँ कुछ इस टाइप का दे रखा है। तो ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे ये जो रास्ता जा रहा है तो इधर भी अंदर जाने का, और हमारे राइट साइड भी एक ये रास्ता जा रहा है, तो हम फ्रेंड हम राइट साइड की लिए चलते हैं, उधर की साइड थी उधर एक मकबरा टाइप का दे रखा है, तो उसका मैं आपको वहाँ जाके उसका व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों एक रास्ता हमारा देखिए सीधा जा रहा है बिल्कुल, तो वहाँ पे जा रहा है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, मगर इधर की साइड हमें लेफ्ट साइड के साथ एक रास्ता जा रहा है, तो मकबरा यहाँ पे है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले जाएंगे, यहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि क्या आगे क्या मकबरे में क्या है, किस टाइप का है। एक चीज़ फ्रेंड आपको और बता दूँ यहाँ पर, ये फ्रेंड ये सुबह जो खुलते हैं तो शाम के टाइम ये 5 बजे तक यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो आप जब भी आए फ्रेंड तो इतना टाइम लेके आए कि आप इसके अंदर कम से कम घूम सके, तो जहाँ तक हो सकता है मेरे मतलब मेरे से आई थिंक
यहाँ से 1 से 2 घंटे तो लगेंगे ही घूमने के लिए, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम लेके आए कि यहाँ से 1-2 या 2 घंटे आप यहाँ पर विजिट कर सकें। तो गाइज हमारे मकबरे का जो रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है, तो हम यहाँ से देखिए मकबरे के लिए एंट्री कर रहे हैं और व्यू काफी अच्छा है, आप देख रहे होंगे। तो हम अपने मकबरे के पास आ चुके हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम मकबरे के अंदर, ये मकबरा जो दे रखा है किस टाइप का है क्या है। सो गाइज ये देखिए ये है पुराने किले का मकबरा, ये हम यहाँ इसके अंदर आ चुके हैं, अब आपको ले चलता हूँ इसके अंदर। उससे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कुएं टाइप का ये बना रखा है और ये खाली है। आई थिंक अब मैं आपको इसके लिए दिखा दूँ कि लोग इसके अंदर भी जा रहे हैं, इसमें सीढ़ियाँ दे रखी हैं। तो गाइस चलते हैं हम इसके अंदर, इसके अंदर जाके दिखाता हूँ आपको ये अंदर से किस टाइप का दिखता है। तो दोस्तों हम इसके अंदर आ चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताता हूँ उसके बारे में फ्रेंड्स, ये जो है ये देखिए आप देख रहे हैं अंदर मकबरे के हम आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखने लगा है और इसमें काफ़ी ऊंचा है, ये देखिए कितना ऊंचा दे रखा है ये फ्रेंड, आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा है, कम से कम 5-6 मंजिल ये टाइप का होगा। और बीच में ये जो हॉल दे रखा, मतलब ये बिना पिलर के बना हुआ है, यहाँ कोई पिलर नहीं दे रखा, बस ये 4 जो दे रखे आप जो गेट दिख रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये बस ये इन्हीं के सहारे इसी सपोर्ट से ये खड़ा हुआ है। तो काफ़ी पुराने मतलब कि पहले ज़माने में जो ये किले वगैरह बनते थे इसी टाइप के बनते थे, काम भी पुराने टाइम पे अच्छे होते थे, तो उसी टाइप पे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पिलर या सपोर्ट नहीं दे रखा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बाहर ले जाता हूँ, बाहर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको आप बाहर का क्या व्यू है किस टाइप का है आपको बाहर से चल के देखा। हम बाहर आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे इसके बाहर के साइड में हम मतलब नीचे यहाँ कुछ जंगल टाइप का दे रखा है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आपको जाके दिखाएंगे। जो मैंने अभी आपको साइड का दिखाया था दोस्तों, तो उसके लिए आप देख रहे हैं वहाँ से, वहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ से एंट्रेंस आप जा सकते हैं, मगर नीचे जाना मेरे हिसाब से खतरे वाली बात है, मगर काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड यहाँ से ना जाएं, इसके लिए कोई दूसरा अगर एंट्री दे रखी है तो आप वहाँ से है। नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा है, तो चलिए हम आगे की साइड से चलते हैं उसका, फिर रास्ता देखते हैं कहाँ से है, फिर हम नीचे चलते हैं उसके लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिटर्न होकर अभी और दिखाऊंगा, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमारा म्यूज़ियम है उसकी टाइमिंग है 5 बजे तक की, तो हमारे पास यहाँ से अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ यहाँ पर 4:30 हो रहे हैं, तो आधा घंटा बचा उसका बंद हो जाएगा, वो क्लोज़ हो जाएगा। तो पहले मैं आपको म्यूज़ियम दिखा दूँ ताकि म्यूज़ियम के अंदर का जो भी व्यू है आप देख सकें। तो चलिए हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, तो म्यूज़ियम जो है उसके लिए हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इस रास्ते से जब आए थे वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, हमें यहाँ से जो रिटर्न होना है ये मकबरे की तरफ से, तो सीधा जाके यहाँ से जो लेफ्ट की साइड रास्ता मुड़ रहा है आप देख रहे होंगे लेफ्ट, वहाँ हमें लेफ्ट की टर्न होना है, वो सामने वहाँ म्यूज़ियम दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स म्यूज़ियम में क्या है चल के आपको दिखाता हूँ, आप वहाँ का व्यू देखिए, नज़ारा देखिए और इन्जॉय कीजिए। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो व्यू आ रहा है इस टाइम, 4:30 बज रहे हैं, नवंबर का महीना है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है, हवा काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आप ये देखिए सनसेट होने वाला है, मगर व्यू बहुत ही काफ़ी खूबसूरत आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे कहूँगा कि आप इस हमारी वीडियो में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे लेफ्ट साइड पे वहाँ भी एक मकबरा टाइप का दे रखा है। अभी हम वहाँ भी जाके आपको उसके अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। और लेफ्ट में जो ग्रीनरी भी दे रखी है, पार्क दे रखा है बैठने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, यहाँ सफाई अच्छी दे रखी है फ्रेंड्स। तो आप आके यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए हमारे राइट साइड में कुछ इसी टाइप का दे रखा है। तो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, व्यू अच्छा है, जगह भी अच्छी है। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं सामने, ये सामने हम यहाँ तक आ चुके हैं, ये है हुमायूं गेट। और फिर हमें यहाँ से राइट होना है राइट म्यूजियम जाने के लिए, मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ हुमायूं गेट का जो व्यू है, जो नज़ारा है। तो चलिए हम हुमायूं गेट की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा हुमायूं गेट। काफी अच्छा है नजारा, देखिए। आपको ले चलता हूँ हुमायूं गेट के अंदर दोस्तों। देखिए आगे भी सामने भी हमारा रास्ता है थोड़ा सा, वहाँ तक भी हम जा सकते हैं। के अंदर जाने के बाद कुछ इस टाइप का है, ये काफी पुराने टाइम का, काफी पुराने जमाने का है। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको म्यूजियम के अंदर फ्रेंड, ताकि टाइम बहुत कम है और वो बंद भी होने वाला, क्लोज होने वाला है। तो हम चल के दिखाते हैं म्यूजियम के अंदर क्या है। दोस्तों हम म्यूजियम के पास आ चुके हैं, चलिए आगे से है एंट्री इसकी। हम म्यूजियम के पास आ चुके हैं, यह है म्यूजियम का गेट। अब हम अंदर चलते हैं। सो दोस्तों अंदर म्यूजियम में होके जाया, अंदर एक्चुअली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा मैं आपको। मगर आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ म्यूजियम का ये व्यू जो है, ये बाहर से इस टाइप का दिखता है। और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, जहाँ ये भैया खड़े हैं यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर म्यूजियम में मैं कहूँगा कि पुराने ज़माने की जो पत्थर से बने मूर्तियां हैं, और हमारे जो पुराने ज़माने के कॉइन्स वगैरह, जो हमारी करेंसी है वो किस टाइप की थी, किस वगैरह की, ये वगैरह ये सब रखी हुई हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं, और इंटरेस्टेड नहीं है तो आप सिर्फ बाहर का जो पुराना किले का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, आगे की चल के तरफ आपको दिखाते हैं। ये जो एंट्रेंस थी, जो हमने एंट्री करा था, फिर हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट आप गए थे, फिर मैंने आपको मकबरा दिखाया था, फिर हम यहाँ पर रिटर्न वापसी आ चुके हैं म्यूजियम देखते हुए। तो अब आपको ले जाता हूँ यहाँ के लेफ्ट साइड, जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था ये लेफ्ट साइड जा रहा है, अब हम इस साइड जा रहे हैं। तो वहां पर चल के आपको दिखाता हूँ कि वहां पर क्या है। तो दोस्तों यहाँ का व्यू भी काफी अच्छा है। तो उसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से कैसा व्यू है, कैसा दिखता है। आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर यहाँ आते हैं तो ये यहाँ पर ये सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है ये पुराना किला, और फिर शाम को 5 बजे, 5:30 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है, और 5:30 बजे तक ये पुराना किला पूरा बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप आएँ तो आप
मेरे कहने का ये मतलब जब भी आप आए तो आप इतना टाइम लेके आए कि आप 5 बजे तक यहाँ पूरा ये व्यू यहाँ पूरा विजिट कर सके, पूरा घूम सके। तो चलिए आगे की तरफ हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आगे का व्यू काफ़ी, आगे का भी अच्छा ही व्यू है। चलते हैं आगे की तरफ, क्या है देखते हैं। पूरा मतलब रास्ता चल के आ चुके हैं, यहाँ पर पूरा आगे से राइट टर्न हो रहा था, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी उस गेट की तरह एक, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी एक गेट दे रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये भी काफी अच्छा लग रहा है, गेट टाइप का है। वहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने, वहाँ सीढ़ियाँ भी दे रखी हैं, वहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी रास्ता दे रखा है, आगे भी काफी चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ हम ऊपर के साइड जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए। यहाँ से एक रास्ता वहाँ आगे की साइड जाता है, तो हम चलिए देखते हैं आगे क्या है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ये देखिए एक साइड पे पूरी खाई है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ नीचे का व्यू। लेफ्ट साइड पे हमारे खाई है और उधर है हमारा प्रगति मैदान, लेफ्ट साइड पे बाहर रोड से आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ की आवाज़ें और चल रही हैं। और हमारे राइट साइड भी खाई है फ्रेंड्स, हम काफ़ी ऊँचाई पर हैं। तो यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर आके काफ़ी यहाँ पर है एंजॉय कर सकते हैं, एक कहने का मतलब है एक एवरेज जगह है, आप आ सकते हैं फ्रेंड्स के साथ और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे सामने पिकॉक भी आ चुका है, मोर भी आ चुका है, आपको दिखा रहा हूँ उसको जूम करके। ताकि मैं आगे पास जाऊँगा तो वो उड़ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कुछ लोग हैं जो उसके पास जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं, जो मैं आपको मकबरे के अंदर ले गया था, तो हम उसके साइड वाले हिस्से में जो आपको मैंने दिखाया था नीचे, हम उसके साइड बराबर वाले जो नीचे खाई दिखाई थी फ्रेंड्स, वहाँ पर जंगल टाइप के, हम वहाँ पर खड़े हैं। तो उसका रास्ता दूसरी तरफ से है, आपको घूम के आना पड़ेगा। तो हम वहाँ पर आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए अब नीचे आप देख रहे होंगे थोड़ी सी खाई टाइप की है।
देखिए दोस्तों, हम इसी रास्ते पे दोबारा आ चुके हैं जिस तरफ हम उधर की साइड से आए थे, मकबरे की तरफ। तो हम दोबारा उधर से म्यूज़ियम देखते हुए, म्यूज़ियम की तरफ से होके उधर से घूम के हम दोबारा यहाँ मकबरे की तरफ आ चुके हैं। तो आपको जो दूसरा वाला जो मकबरा था फ्रेंड, वो देखिए, वो दूर वाला, वहाँ ले चलते हैं आपको, वहाँ पर दिखाते हैं इसमें क्या है वहाँ का व्यू। यहाँ से राइट साइड में थोड़ा सा छोटा सा कट दे रखा है उस मकबरे में जाने के लिए, तो हम यहाँ से चलते हैं। वो देखिए सामने वो है हमारा मकबरा। तो हम आ चुके हैं अपने इस मकबरे के पास। देखिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये सिंपली ऐसे ही एक मकबरा, मतलब देखा है इसके अंदर कोई जाने का गेट वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा। सिंपली फ्रेंड जी, आप आते हैं तो ये अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, ये इस टाइप का। बस इसके अंदर जाने का तो खैर कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। और आप अगर बाकी अपने बाइक से या कार वगैरह से आया तो आप पुराना किला, ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो चिड़ियाघर पड़ता है बिल्कुल वहीं पर ये पड़ता है, वहाँ पर आसानी से इजीली आ सकते हैं। तो हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पुराने किले की एक शॉर्ट जर्नी, छोटी सी जर्नी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।